हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पंजाबी मैंड आइडिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो वॉशिंग मशीन के इससे संबंधित है, रिलेटेड है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो ड्रायर है कपड़े सुखाने वाला, ये ख़राब था, तो मैंने इसको जो ठीक किया है। तो बहुत से मिस्त्री ऐसे कहते हैं कि इसका जो टाइमर है, टाइमर बदलने वाला है और लगभग 1000 रुपये खर्चा बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ भी खर्चा नहीं होगा, बिल्कुल 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसको हम ठीक करेंगे बिल्कुल फ्री में। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वर्लपूल की सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, 8 किलो की, जो कि मैक्सी ड्राई वर्लपूल। और इसका ये वॉशिंग वाला एरिया है और ये ड्रायर वाला एरिया है। पहले वॉशिंग वाला एरिया जो हम चेक करते हैं, इसको ऑन करते हैं। ये देखिए, ये हमारा वॉशिंग वाला एरिया, तो जो वॉशिंग वाली मोटर जो है वो तो चल रही है, लेकिन जो ये ड्रायर वाली मोटर है ना, ये नहीं चल रही है। तो इसको हम पहले ऑन करते हैं, फिर देखते हैं। ये चल नहीं रही है फ्रेंड्स, देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल नहीं घूम रही है। तो फ्रेंड्स, इसको हम ठीक करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। पहले हमने इसका स्विच बंद कर लिया, और अब इसको सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इस मशीन को खोलना आना चाहिए। तो इसमें स्क्रू देखें कहाँ कहाँ है। पहले ये फ्रंट में इसके ये 2 स्क्रू हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, मशीन के फ्रंट में 2 स्क्रू ये हैं, और ये बैक साइड पे 2 स्क्रू हैं। ये वायर के पास में 1 स्क्रू, एक दूसरा वाला, और आगे की साइड में फ्रेंड्स लॉक होते हैं। और बैक साइड पे नीचे की साइड दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये 3 स्क्रू यहाँ पे हैं फ्रेंड्स, 3 स्क्रू ये हो गए फ्रेंड्स। और ये ड्रायर के यहाँ भी फ्रेंड्स 2 स्क्रू हैं। ये देखिए, ड्रायर का ढक्कन उठाते ही आपको दिखेंगे इसमें कैप लगे हुए हैं। तो ये स्क्रू हमने खोले, पहले कैप निकाल लेते हैं इनकी, फिर उसके बाद इनको पहले सारे स्क्रू खोलेंगे। फ्रेंड्स, ये स्क्रू के ऊपर कैप लगा हुआ है, इसको एक हम टेस्टर की सहायता से, यानी कि पेचकस की सहायता से इसको खोल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वॉशिंग मशीन के सभी स्क्रूज हमने खोल लिए हैं। और सबसे पहले ये वॉशिंग का ढक्कन हटा देते हैं, और उसके बाद हमने क्या करना है, ये ड्रायर का जो ये बटन है इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम इसको खोलेंगे, इसके बैक साइड वाले स्क्रू साइड से खोलना जो हमने स्क्रू खोले हैं, क्योंकि फ्रंट की साइड में इसके जो है लॉक लगे होते हैं। ये देखिए, इस साइड फ्रंट वाली साइड पे लॉक है, तो ये अपना आसानी से खुल जाएगा। और ये हमने स्विच देखिए ऑन कर रखा है, और ये ड्रायर घूम नहीं रहा है। और फ्रंट ये इसलिए नहीं चल रहा है कि इसके बटन में जो है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। वो ये है कि इसका जो टॉप का जो ढक्कन है वो उस बटन को प्रेस नहीं कर पा रहा है। अब हम बटन दबाएंगे, चेक करेंगे उसको। जैसे हम ये बटन दबाया, हमने ये बटन दबाया और ये ड्रायर चलना शुरू हो गया। इसका मतलब है इसमें जो स्विच लगा है उसके अंदर थोड़ी सी कमी है, उस कमी को हम पूरा करेंगे। अब देखिए, जैसे हमने स्विच को छोड़ दिया और ये ड्रायर जो घूमना बंद हो गया, और सबसे पहले हम इस स्विच को खोलते हैं। ये देखिए, जो हमारा स्विच लगा है, अब मैं थोड़ा सा आपको इसको जूम करके दिखा दूंगा फ्रेंड्स। पहले मैं स्क्रू ड्राइवर ले आता हूँ। फ्रेंड्स, अब वीडियो को थोड़ा जूम कर लेते हैं, यानी कि कैमरे को थोड़ा नज़दीक ले आते हैं, ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले स्विच का स्क्रू खोल लेते हैं। इस स्विच में एक ही स्क्रू लगा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, स्विच खोलने के बाद हम इसके ड्रायर के बटन को बंद कर लेते हैं, और उसके बाद ये इसका स्विच जो है वो प्रेस करके चेक कर लेते हैं कि वो प्रेस हो रहा है कि नहीं। उसके बाद हमने ये डबल साइड मास्किंग टेप लेनी है, और इसका एक पीस काटना है। पीस जो हमने काटना है, जो स्विच का साइज़ है उससे थोड़ा सा छोटा ही काटना है, बड़ा नहीं होना चाहिए। और ये दोनों साइड चिपकने वाली मास्किंग टेप है, और इसमें एक साइड पे कागज़ है, कागज़ आपने उतारना नहीं है। और फ्रेंड्स, जैसे ये देखिए, मास्किंग टेप हमने इस पर लगा दी। और फ्रेंड्स, मेन काम इसमें यही था, इसका मतलब ये था कि जो हमारा ड्रायर का ढक्कन है वो स्विच को प्रेस नहीं कर पा रहा था, और प्रेस ना होने के कारण ड्रायर चल नहीं रहा था। जबकि मिस्त्री लोग सभी कह रहे थे मेरे को इसका टाइमर बदला जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने कहा चलो एक बार खोल के ट्राई कर लेते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स ड्रायर के ढक्कन में प्ले आती है, जो कि उस स्विच को प्रेस नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये ड्रायर चलता नहीं है, स्विच ना प्रेस होने के कारण। फ्रेंड्स, चलिए अब टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स इसको। इसको ऑन कर दिया, देखिए फ्रेंड्स ड्रायर चल रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगे उसे लाइक करें फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी मिलनी है। हर चीज़ के आपको सस्ते सस्ता मैं सामान बना के दिखाऊंगा, और फ्रेंड्स जितना भी मैं सामान बनाऊंगा ये 100% काम करेगा। फ्रेंड्स स्क्रू हमने टाइट करके चेक कर लेते हैं, लेकिन ये ढक्कन खुलने पे या ऑन होने पे नहीं चलेगा। फ्रेंड्स पहले ढक्कन बंद कर लेते हैं। फ्रेंड्स अभी पहले मैं आपको चला के दिखाता हूँ ये, क्योंकि ढक्कन बंद करने के बाद ही चलता है। और ये देखिए चल रहा है, मशीन अपनी बिल्कुल ठीक हुई। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स।